देखिए, अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर या फिर एज अ आर्किटेक्ट नगर पालिका या फिर महानगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, और उस केस में आपको ऐसा लगता है कि क्या एज लिमिट हो सकती है अपर या फिर लोअर, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि किसी भी तरह की एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो एज के लिमिट पर या फिर एज के क्राइटेरिया पर नहीं होता, वो होता है आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप आर्किटेक्ट हो तो उस तरह का क्वालिफिकेशन, देन कुछ केसेस में आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी डिमांड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो डिग्री अगर आपके पास में है सिविल इंजीनियरिंग की तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इस तरह से आप क्वालिफिकेशन वहाँ पर अटैच कर रहे हो तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है या फिर सबमिट करना है। और एक चीज़, हर नगर पालिका महानगर पालिका कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपसे यहाँ पर डिमांड कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बात मैं क्लियर कर दूँ, चाहे ऑफलाइन सबमिशन हो या फिर एप्लीकेशन हो या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रजिस्ट्रेशन का, दोनों भी केस में आप एक बार जो रिलेटेड वहाँ पर इंजीनियर है या फिर जो भी ऑफिसर है उनसे एक बार बात कर लीजिए कि आपको और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो बिल्डिंग बायलॉज है जिसमें ये सभी रूल्स लिखे गए हैं कि आपको किसी भी तरह के एज लिमिट की यहाँ पर मतलब क्राइटेरिया नहीं है, तो वो बिल्डिंग बायलॉज भी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।